हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्लैम जोन पे। तो आज हम लोग मैच कराने जा रहे हैं 10 सुपरस्टार रॉयल रंबल। और आज हमने ओरिजिनल वाले ब्रोक लेसनर को, बियर्ड वाले ब्रोक लेसनर, ना कि कोई कम्युनिटी क्रिएशन नहीं, ओरिजिनल मोड, ठीक है, एक नंबर पे वाले ब्रोक लेसनर को लिया है। और अपने अपोनेंट हैं जॉन सीना, डेमिन लोगन, गुंथर, रैंडी ओटन, फिंड, रोमन रोलिंस, फिन बैलर और जॉन सीना। तो चलिए मैच शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। और यार तुम लोग मुझे जल्दी से वो सजेशन दिया करो मैच के, ठीक है। तीन तीन फिनिशर मैंने सभी को दिया है, तीन तीन दूँ कि ना दूँ, तीन तीन में उसे कांड हो जाएगा, लेकिन मैंने दे दिया है। चलो भाई मैच शुरू करते हैं। और ये यकीन मानो मेरा ओरिजिनल वाले ब्रोक लेसनर, ना कि कम्युनिटी क्रिएशन वाले। तो भाई देखते हैं ये वाले ब्रोक लेसनर कांड मचाते हैं कि नहीं मचाते। ये थोड़ा अपडेट हुए हैं पिछली बार से। चलो भाई द फिंड के सामने ही आ गए डायरेक्ट, आते ही यहाँ पर F5 लगा तो रही है। उम्मीद करता हूँ कि यार सुपर फिनिशर ना हो इनका। अच्छा नॉर्मल मूव्स है, सॉरी मेरा मतलब नॉर्मल मूव्स नहीं है मेरा मतलब। तो यार थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। यहाँ पर स्टंड नहीं हो रहा कोई भी, देखना अब स्टंड होंगे जाके फिंड, अब स्टंड होंगे। पता नहीं ऐसा क्यों क्यों हो गया, जब से मैंने ये वाला ब्रोक लेसनर का मोड डाला है सारे सुपर स्टार में ये कांड हुआ है। अरे भाई मैं रैम कैमरा ऑन करना भूल गया, सॉरी। चलो भाई फिंड गए, ब्रोक लेसनर ने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक परफॉर्मेंस दिखाई अपने। और मुझे यकीन है कि ये थोड़ा तीन चार तक तो चलेंगे, लग रहा है जॉन सीना आने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कंफर्म नहीं क्योंकि मैं लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस समय। गुंथर आ रहे हैं, अच्छा सही है, तीन नंबर। थोड़ा फोकस मत को ब्रोक लेसनर, फोकस खो देते हैं ये वाले। मैंने बहुत बार नोटिस किया है मेन टाइम पे ये फोकस खो देते हैं, जब जीतने का टाइम रहता है इनके पास, मौका रहता है, एकदम खो देते हैं फोकस और कांड हो जाता है इनके साथ फिर। चलो भाई गुंथर भी यहाँ सही जा रहे हैं, गुंथर के पास सुपर फिनिशर है। अब भाई क्रेजी मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। वीडियो बना रहा हूँ। चलो चलो भाई यहाँ पर सुपर फिनिशर लगा दिया है। यहाँ पर टैप कर भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, रॉयल रंबल है तो यहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए रिंग के बाहर फेंकना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर गुंथर सक्सेस हो गए हैं। भाई गुंथर ने कांड कर दिया यार, तीन तीन फिनिशर मुझे नहीं देने चाहिए थे, मुझे जस्ट अभी रियलाइज हुआ। अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा, दो दो फिनिशर ही दूंगा रॉयल रंबल के अंदर, क्योंकि तो यार मैं भूल गया सुपर फिनिशर अगर किसी ने लगाया है तो भाई कांड होना तो कन्फर्म है। देखो भाई गुंथर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जमा रहे हैं। वैसे फिन बैलर का फिनिशर भाई सबसे खतरनाक फिनिशर है। एक बार सोच कर देखो, पूरे बॉडी का डैमेज, पूरी बॉडी का जितना भी वेट रहता है वो तुम्हारे हेड से जाके गुजरता है। जब तुम्हारा ठोकर लगती है ना भाई, पूरा दिमाग हिल जाता है। काफ़ी सही फिनिशर है, एलिमिनेट कर सकते थे यहाँ पर फिन बैलर, बस इनको थोड़ा। भाई लोग एक मिनट रुकना यार, कॉल आ रहे हैं, पता नहीं कौन है। चलो यार थोड़ा कॉल आ गया था मुझे, मैं काट नहीं सकता था, थोड़ा अर्जेंट कॉल था। चलो भाई गुंथर ने भी यहाँ पर अपना एक फिनिशर लगा दिया है लोगन पॉल को। फिन बैलर थोड़ा सही जा रहे हैं, फिन बैलर को भी एक फिनिशर लगा दिया। गुंथर की परफॉर्मेंस यार कितनी ज़्यादा खतरनाक कर दी यार, 2K वालों ने फिक्स कर दिया। पहले इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी यहाँ पर गुंथर की, जैसे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मैंने 2K23 में देखी थी, 2K24 पे मैंने इतनी ज़्यादा नहीं देखी थी। लेकिन कभी कभी यार कांड कर देते हैं ये, मुझे लग रहा है कभी कभी वो आज ही है। चलो भाई बैक टू बैक यार, गुंथर आज नहीं बन गए, हरामी बन गए। ब्रोक लेसनर को एलिमिनेट किया है ना, वैसे भी इनका ड्रीम था शायद गोल्डबर्ग से लड़ने का, कि ब्रोक लेसनर, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है ब्रोक लेसनर से लड़ने का ड्रीम था इनका, फाइट करने का, लेकिन कंप्लीट हो ही नहीं पाया वो। क्यों? क्योंकि ब्रोक लेसनर के साथ कांड हो गया था। चलो भाई रोलिंस आ गए, रोलिंस के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, रोलिंस के ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है इस पूरे WWE में, और रोमन के ऊपर, दो लोगों के ऊपर। दोनों ही एक तरीके के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन भाई देखो इनका फ्यूचर क्या रहता है। कभी ना कभी यार टीम अप तो करेंगे आने वाले समय में, लेकिन रोमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मुझे लग रहा है 2026 तक है ना, 2026 तक शायद।
देखते हैं यार, एक दो मैच इनके साथ हो जाए ना, मज़ा आ जाए। चलो भाई, गुंथर यहाँ बच गए, यहाँ पर नॉकआउट हो सकते थे वैसे। तो सॉरी, नॉकआउट कैसे होंगे, ये तो रॉयल रंबल है, एलिमिनेट हो सकते थे। थोड़ा सा जल्दबाजी जल्दबाजी ना करे तो सेट रोलिंस तो एलिमिनेट कर सकते। कर दिया भाई, एक फिनिशर लगाया, काफ़ी सही लगाया है। मुझे लग रहा था नॉर्मल है, लेकिन जब थोड़ी जैसे ही ये एलिमिनेट हुए, या मैंने देखा रोलिंग का फिनिशर एकदम से कम हो गया, तो मैं समझ गया फिनिशर है। बस ये होना चाहिए यार, जैसे पुराने गेम्स में था कि तुम्हें फिनिशर की ज़रूरत नहीं है, तुम नॉर्मल मूव से भी एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे SVR 2011 वाला, उसमें भी ये वाला साइन था। चलो भाई, रैंडी ओटन, ये वाले रैंडी ओटन थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा खेलते हैं ये वाले रैंडी ओटन। इन्होंने भाई एक खतरनाक टीम को हराया है, मुझे अभी तक याद है, ये रैंडी ओटन 9 वालों ने इसी मतलब इसी मोड में हराया था। जब मैंने ये वाला मोड अप्लाई किया था, तभी ये वाले रैंडी ओटन ने कांड किया था, क्योंकि मैंने अभी माई राइज खेला नहीं है, तो ये वाले मेरे में अभी ओपन नहीं हुए हैं। चलो भाई, इतनी जल्दी रोलिंस रोलिंग गलत कर रहे हैं, बिना फिनिशर के ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चलो रैंडी ओटन यार अपना एक आरक्यू देखना है, सभी को देखना है, लेकिन यहाँ पर रोलिंस ने भाई सेम टू सेम कांड बन रहा था ना। तुम लोग को याद होगा जब मैच हुआ था रैंडी ओटन और सेट रोलिंस का, तो यहाँ पर क्या हुआ था बताओ ना, क्या हुआ था। वैसे मैं इसको रिक्रिएट कर सकता हूँ अगर तुम लोग चाहो, बड़े आराम से रिक्रिएट हो जाएगा। बस अगर वो स्टोम्प वाला फिनिशर होता ना, जिसमें वो प्रोन रहते हैं, तब वाला फिनिशर में हम लोग रिवर्स कर सकते थे, ये वाले में थोड़ा नहीं होता शायद। चलो भाई, डेमिन प्रिस्ट भी आने वाले हैं 8वें नंबर पे, आराम से। चलो भाई, डेमिन प्रिस्ट आ गए, यहाँ पर रोलिंस के साथ कांड हो गया, लेकिन रोलिंस सॉरी रैंडी ओटन ने अभी एक भी फिनिशर नहीं लगाया है। यहाँ पर डेमिन फिनिशर की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन सेट रोलिंस के कारण थोड़ा चूक गए। रैंडी ओटन लगा दो लगा दो लगा दो, लगाने ही जा रहे थे। चलो भाई, यहाँ पर यार डेमियन के पास सुपर फिनिशर था वैसे, रोप वाला। आराम से आराम से, रैंडी ओटन थोड़ा जल्दी करो। हाँ, गए गए भाई, यहाँ पर डेमियन प्रिस्ट का एलिमिनेशन हो गया, कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया यार। एक मुक्का भी नहीं मार पाए, पंच छोड़ो यार, मुझे लगा टच भी नहीं कर पाए दूसरे सामने वाले को। रैंडी ओटन ने बिल्कुल आराम से खेला किया है, बिल्कुल। आओ इधर इधर आओ, हाँ, यहाँ ये लो जाओ अब प्रसाद टाइप। चलो भाई, रोलिंस तो यार काफ़ी सही खेल रहे हैं, रोलिंस एक चीज़ का यूज़ कर रहे हैं ना, या तो सिग्नेचर, सिग्नेचर नहीं, मुझे लगा सिग्नेचर है ये। थोड़ा मूव्स काफ़ी अच्छे थे ये वाले, सेट रोलिंस केवल हेड पे डैमेज कर रहे हैं, मैं नोटिस कर रहा हूँ, देख रहे हो ना। यार मुझे पता है क्या चाहिए असल में, 2K25 से, 2K25 से मुझे ये चाहिए कि रोमन के पास ना वो वाला स्पियर हो, जिसमें मतलब जैसे यहाँ पर आ गए तो दौड़ के यहाँ पर स्पियर मारे, उस बंदा ये डायरेक्ट रिंग के बाहर, वो वाला फिनिशर देना चाहिए 2K वालों को। 2K25 में मज़ा आ जाएगा देख के। नहीं, मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर ग्रेपल करके यहाँ रोप के पास छोड़ो, फिर रोमन के पास फिनिशर का ऑप्शन आ जाए, फिर रोमन अपना फिनिशर लगा के डायरेक्ट रिंग से बाहर करें स्पीयर लगा के, वो थोड़ा देखने में काफ़ी ख़तरनाक लगेगा। या सुपरमैन पंच, डायरेक्ट सुपरमैन पंच मारा तो डायरेक्ट सिर से ऐसे ही घूम के डायरेक्ट ज़मीन में गिर जाए। चलो भाई, यहाँ पर स्टंट अगर होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस थे कि रोलिंस एलिमिनेट हो जाते हैं। अब लग रहा है सीना आने वाले हैं मेरे हिसाब से। यार ब्रॉक लेसनर को मैंने एक नंबर पे लिया तो, लेकिन ब्रॉक लेसनर थोड़ा सा समझ रहे हो ना यार, अच्छा नहीं खेले। मैं सोच रहा हूँ कि कल उनका एक रीमैच किया जाए, क्या रीमैच किया जाए और एक चीज़ और की जाए। चलो भाई, चलो भाई सीना भी आ गए, मुझे लग ही रहा था सीना आने वाले हैं। चलो यार सीना कांड करना, पिछले मैच में तो यार तुमने दो दो एलिमिनेशन किए हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था, सच कह रहा हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता था। ऊपर से जेंट थे वो, अगर कोई नॉर्मल होते तो एक बार मैं मान लेता, चलो भाई चलता है। चलो भाई, सुपर फिनिशर लगा दिया है सीना ने शायद, अच्छा नॉर्मल लगाया, मुझे लगा सुपर फिनिशर है। यार ये रोलिंस बीच में आके कांड करते हैं, इतनी जल्दी तो नहीं होगा। रोलिंस को भी, रोलिंस के पास एक सिग्नेचर एक फिनिशर है, और सीना के पास दो है, रोमन के पास एक है, आराम से। सीना यार रोलिंस को एलिमिनेट करो, कुछ भी हो जाए, भले रोमन तुम्हें या तुम रोमन को एलिमिनेट कर दो चल जाएगा, लेकिन ये मैच रोलिंस नहीं जीतना चाहिए। यहाँ पर रोलिंस ने बहुत गंदी चीज़ की है, अभी बीच में धोखा दे रहे हैं आके। चलो भाई, ये चीज़ होनी चाहिए यार, बहुत गंदा किया है 2K वालों ने, कि हम लोग नॉर्मल मूव से किसी को एलिमिनेट ही नहीं करते, फिनिशर ही यूज़ करना पड़ेगा, कम से कम एक सिग्नेचर का ही तो यूज़ दे ही देते ये लोग, लेकिन ऐसा भी नहीं किया 2K वालों ने।
रोमन यार एक स्पीयर लगा के रोलिस को बाहर करो, कुछ भी हो जाए। चलो लगा दिया मुझे, और यार सीना को नहीं लगाना था यार, रोलिंस को लगाना था। लग रहा है पुरानी यादें अभी भी रोमन के साथ हैं। चलो भाई सीना, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम ही अकेले हो जो एलिमिनेट कर सकते हैं रोलिंस को, जैसा कि मैंने कहा। ओ भाई रोमन को भी लपेट दिया आज सीना ने। सीना इतना कर ही रहे हो तो यार साथ में वो भी कर दो जो सब लोग चाहते हैं, भले ही सामने रोमन है मैं जानता हूँ, लेकिन एक बार देखो अंदर। कर दिया भाई रोम। सीना क्या कर रहे हो यार, सीना सीना जीत सकते थे ये वाला रॉयल रंबल। एक कांड और एक। चलो भाई दोनों एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सीना के साथ हूँ। भले ही रोमन मेरे फेवरेट हैं इस समय के, लेकिन जनवरी से यार सीना हो जाएंगे। लेकिन अभी एक सेकेंड यार, मुझे छींक आने वाली है यार, मैंने छींक दिया यार, कांड हो गया लग रहा है। मैं अब सीना के साथ नहीं हूँ, मैं रोमन के साथ हूँ। ये देखो मैंने जैसा कहा यार। चलो भाई रोमन के पास सिग्नेचर आ चुका है, अब आया है कम्प्लीटली। चलो रोमन जल्दी से एक सिग्नेचर लगाओ, या सीना के ऊपर मुझे अभी भी 50% भरोसा तो है। दोनों के ऊपर 50-50 है, ठीक है। अगर सीना जीतते हैं तो भी मैं जीतूंगा, रोमन जीतते हैं तो भी मैं जीतूंगा, ठीक है। ये ट्रिक ज़्यादातर आइया बहुत से लोग यूज किया करते हैं, ज़्यादातर यूएसए वाले न्यूज में 50-50% का। चलो भाई सीना बहुत अच्छे चांस है, ग्रिपल करके मार दो। चलो भाई मैं सीना की तरफ हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, सीना ये रॉयल रंबल जीत गए। लेकिन यार ये एआई नहीं सुधरेगी, क्या कहते हो तो इस एआई को मुझे सुधारना पड़ेगा। सीना के पास दो दो चांस मिले, लेकिन यार एआई ने कांड किया है जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। अरे यार सीना एक बार और, हाँ सीना बिना, सीना ने कांड कर दिया। चलो भाई हम लोग मिलते हैं अगले मैच में यार, हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, और हम लोग यार मैच का सजेशन देना, ठीक है। और मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, उसमें मैंने टीम बना ली अपनी रोमन सीना और ब्रोक की, ठीक है। मिलते हैं अगले मैच में।